जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट टाइम के पेपर इसके एपिसोड के साथ हाज़िर हुए हैं। तो इसके जी एमसीक्यूज देखते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट कैथोड, तो बीटा ऑप्शन जी रिडक्शन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। सेकेंड है जी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cl2O7 इस, तो इसका है जी करेक्ट ऑप्शन 6। तो इसमें ऐसा ही है कि ऑक्सीजन के 7 एटम है तो इसकी -14 हो जाएगी और 2 प्लस पोटाशियम के, बाकी माइनस का 12 बच जाएगा। क्रोमियम के 2 हैं तो 12/2, तो जवाब आएगा जी 6। तो इसका जवाब करेक्ट ऑप्शन भी 6 ही है, चार्ली ऑप्शन। थर्ड एम सी क्यू इफ द साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन 2 half cells देन वोल्टेज ड्राप टू 0। तो जी जब हम साल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते गैल्वेनिक सेल के अंदर तो आयंस की एकमोलेशन शुरू हो जाती है जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती तो वोल्टेज भी 0 हो जाता है। फोर्थ एम सी क्यू है जी वाट इज द फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट। अब ये एलुमिनियम की एक्सट्रैक्शन जो बॉक्साइट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एलुमिनियम को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी क्रायोलाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। फिफ्थ एम सी क्यू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जो ये है जी बीटा -0.76 volt, और ऑक्सीडेशन अगर पूछ लेता तो ये फिर प्लस में चला जाता। सिक्स्थ है जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ ई इन एफ ई 3O4 इज। अब जी ऐसा ही है कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम है तो ये -8 हो जाएगा, 4 × -2, तो -8 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर तो जवाब आएगा जी 2.666, तो ये 2.67 आएगा। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सेवन्थ है जी इन रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये रिएक्शन दिया गया है तो इसमें सीधी सी बात है आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल रही है तो ये ऑक्सीडेशन होगी, तो आयरन क्या होगा जी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर इसकी हम वो देखें ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करें तो आयरन रिएक्टेंट साइड पर 0 में है और प्रोडक्ट साइड पर जो एफ ई है ये +3 में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का खारिज होना भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। एट्थ एम सी क्यू है जी द इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बीटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाइन्थ जी फ्यूल सेल्स आर द मीन्स बाई विच केमिकल एनर्जी मे बी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका भी बीटा ही ऑप्शन करेक्ट है। फ्यूल सेल से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हासिल करते हैं। टेंथ है जी इन लेड एकमोलेटर कैथोड इज मेड अप ऑफ, तो इसका बीटा ऑप्शन है जी ये लेड के जो ग्रिड होते हैं कोटेड विद PbO2, यानी Pb कोटेड विद PbO2, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसके बाद है जी 11th मेटल आयंस मे गेट डिस्चार्ज बाई टेकिंग इलेक्ट्रॉन हासिल करके जी ये डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट है जी। 12th है इन अल्कलाइन बैटरी दी इलेक्ट्रोलाइट कंटेंस, अल्कलाइन नाम ही से जहर है तो अल्कली ही होगी, KOH यहाँ पर यूज होती है जी, बीटा ऑप्शन। 13 है जी द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन, बात सॉल्यूशन की हो रही है तो इसमें यहाँ पर आएगा जी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चार्ली ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। 14 है जी वाइल बैलेंसिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बाई आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड, तो इसमें हम जी बैलेंस कैसे करते हैं बाई एडिंग, तो H2O को हम ऐड करते हैं रिएक्टेंट साइड पर, तो ये या रिएक्टेंट साइड पर H2O को भी ऐड किया जाता है और इसके साथ हाइड्रोजन का भी सहारा लिया जाता है, तो इसमें जो ऑक्सीजन की मेन बात है तो वो फोकस H2O ही होगा, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 15 है जी क्रोजन रिएक्शन आर, तो ये बच्चे स्पॉन्टेनियस ही होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, अल्फा ऑप्शन है। स्पॉन्टेनियस इसलिए कि क्रोजन हम खुद तो नहीं करते, ना ही इसको एक्सटर्नल एड की ज़रूरत होती है, ये खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। 16 है जी मेटल्स विच आर अबव शी, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जो अबव शी होते हैं जी वो एक्टिव मेटल्स भी कहलाती हैं और ये H2 फ्रॉम एसिड इसको भी लिबरेट कर सकती हैं और नीचे वाली मेटल्स को वो अपना रिप्लेस भी कर सकती हैं और उसके साथ साथ जो ये एनोड भी बन सकती हैं, तो यहाँ पर बोथ अल्फा एंड चार्ली डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
17 एमसीक्यू है जी इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज इज, तो इसमें जी HCl वन मोलर HCl सॉल्यूशन यूज होता है। तो ये बचे हमारे 17 एमसीक्यू से, तो इंशाल्लाह आप होगी मुलाकात नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।